छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक साथ चार दुकानों के शटर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वही मामला मान थाना इलाके का बताया गया है, जहां चोरों ने सोने मकान और दुकान का ताला तोड़कर नकदी पैसे चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया है कि माना थाना क्षेत्र अंतर्गत माना बस्ती में अलग अलग जगह में ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा एक घर सिन्हा परिवार के यहां से 65,000 रुपए नकद चोरी हुई। वहीं साथ ही ऑटो सेंटर से 5,000 से 7,000 नकदी चोरी हुई। इस प्रकार से चार अलग अलग जगहों में घटना घटित हुई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवरण में लिया गया है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही क्राइम ब्रांच और माना की टीम ने कार्रवाई जारी रखी है और मामले की जांच भी जारी है। को माना थाना क्षेत्र अंतर्गत माना बस्ती में तीन चार जगहों अलग अलग जगहों में ताला तोड़े थे। इसके अलावा एक घर है सिन्हा परिवार का, जहां पर उसे 65,000 रुपए नगद चोरी हुआ था। इसके अलावा माँ दुर्गा ऑटो सेंटर है, वहां से 5-7 हजार रुपए नगद जो रखा हुआ था वो भी चोरी हुआ था। इस प्रकार से चार अलग अलग घटना हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में कुछ संदिग्ध हैं, जो इसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका जो बाहर रहने वाले हैं उनको बैठाए हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं।